चुटकी बनाई है तुमने चुटकी। शुक्रिया जग्गू। हाँ, और सबसे प्यारी है गणेश जी की सूंड। लगता है आज तो गणेश जी से ज्यादा कालिया खाने वाला है। वो तो मैं खाऊंगा ही। इतने स्वादिष्ट पकवान बने हैं, आज के दिन पेट भर के खाना चाहिए सबको। खाना आने तो दो, मैं दिखाऊंगा कि खाते कैसे हैं। गणेश जी का खाना तो रख दिया, अब तुम सब बच्चों की बारी। इस बार तो मैंने मीठे मोदक बनाए हैं। गणेश जी को ये बहुत पसंद है। आ गई तुम चुटकी। हाँ कालिया, पर ये लड्डू तो सिर्फ गणेश जी के लिए हैं। पूरे गांव में गणेश जी के लिए इतने सारे स्वादिष्ट पकवान बन रहे हैं। हाँ बच्चों, इस बार तो गणेश जी बहुत ज्यादा खुश होंगे। हाँ, मैं ये लड्डू जल्दी से चढ़ा कर आती हूँ, फिर हम सब माँ के पास जाएंगे। फिर मिलते हैं काकी। हाँ। बहुत भूख लगी है, जल्दी ही कुछ न कुछ खाना पड़ेगा। वाह, क्या खुशबू है। सबसे पहले कौन सी थाली से खाऊं? ये तो बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं, पर शुरुआत कुछ मीठे से करते हैं। क्या खाऊं? क्या खाऊं? नारियल बर्फी? नहीं, पूरन पोली। बाद में खाऊंगा। आहा, ये वाली। अरे वाह, मीठे मोदक। अगला पकवान क्या खाऊं? क्या खाऊं? ये तो जरूर टुनटुन मौसी के लड्डू हैं। एक थाली तो मेरे लिए काफी नहीं। काश टुनटुन मौसी और लड्डू बनाए। चलो भीम, माँ तुम सबको ढेर सारे लड्डू खिलाएगी। मैं सबके लिए अभी पानी लेकर आता हूँ। टुनटुन मौसी, टुनटुन मौसी, लगता है गणेश जी को आपके लड्डू बहुत पसंद आए। यहाँ रखी थाली तो गायब हो गई। कोई बात नहीं भीम, मैं अभी और लड्डू रखती हूँ। सब इधर लाइन में खड़े हो जाओ। चुटकी, भीम, तुम दोनों सामने आओ। हम तीनों एक लाइन में खड़े रहेंगे और हमारे पीछे जग्गू, राजू और भोलू भी खड़े रहेंगे। वाह कालिया, इस आकार में तो सबका डांस बहुत अच्छे से दिखाई देगा। बहुत बढ़िया। जानता हूँ, अब जैसा मैं करूँगा सब वैसा ही करना। एक दो, क्या कर रहे हो ढोलू भोलू? सिर्फ सर हिलाना है, पूरा शरीर नहीं। उस्ताद, हम सर ही तो हिला रहे हैं। क्या करूँ मैं इन दोनों का? राजू, रंग है और सभी बहुत खुश हैं ना आज। हाँ, अलग अलग पकवान भी बन रहे हैं, जलेबी, समोसे। और
सिखाओ कालिया। और हमारे लिए भी थोड़ा रखिए। फिक्र मत करो, अंदर और भी लड्डू है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए मौसी, वरना ये पूरी दुकान खा लेंगे। कालिया, शाम के लिए भी पेट में थोड़ी जगह रखना। शाम के लिए? हाँ, मैं आज बहुत सारे लड्डू बनाने वाली हूँ, जैसे कि बादाम के, मोती चूर के, बूंदी के, दूध के। लेकिन उसके लिए मुझे तुम सबकी मदद चाहिए। हाँ हाँ, बोलिए ना मौसी, क्या मदद चाहिए? तुम्हें घर सजाने में मदद करनी होगी और दुकान पर पहरा देना होगा। हम पहरा देंगे और हमारे होते हुए कोई भी लड्डू नहीं खाएगा। क्योंकि सारे लड्डू यही खा जाएंगे। तो सभी वादा करो कि कोई भी शाम से पहले लड्डू नहीं खाएगा। हम वादा करते हैं कि हम सब अभी सीधा शाम को ही लड्डू खाएंगे। लड्डू क्या हुआ ढोलू बोलू? पानी में कुछ है। क्या है? कुछ भी तो नहीं। चीनी की जगह नमक है ना। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। मैंने नहीं दिया मूषक भैया। तो फिर किसने दिया? मैंने। तो मैं क्या करता? आजकल तुम इतने उदास जो रहते हो। पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे ढोलकपुर में मेरे परिजन, शायद मेरे परिजन किसी मुसीबत में हैं। मुझे जाना होगा। क्या बात है चुटकी, इतनी खोई हुई क्यों हो? पूरे ढोलकपुर के चूहे गायब हो गए हैं। चूहे गायब हो गए? मूषक परेशान होंगे। मुझे मूषक के दोस्तों को बचाना चाहिए। भीम, कैसे हो मित्र? मैं आपके बारे में ही सोच रहा था। मैं एक मुख्य कार्य करने आया हूँ भीम। दरअसल मेरे परिजन एक चूहा, वो यही कहीं है भीम। तो मेरा शक सही निकला। कौन सा शक? चूहों और सांपों की दुश्मनी हमेशा से चली आ रही है। गणेश चतुर्थी से पहले मेरे परिजनों को बचाना होगा। रुक जाइए, अगर हमने इसे तोड़ दिया तो पानी अंदर चला जाएगा। डरो मत बच्चों, मैं आ गया हूँ। भीम, भीम उसे जल्दी नष्ट करो। गणेश जी और मूषक जी, गणेश चतुर्थी के इस पावन दिन पर आप स्वयं हमारे राज्य पधारे। हमारी टुनटुन मौसी ने आपके लिए खास लड्डू बनाए हैं। हमारे साथ चलिए, हम सब मिलकर खाएंगे।